फ्रेंड आज बताने वाला हूँ बूट डिवाइस नोट फाउंड HP लैपटॉप का एरर जो आया है। आपको दुकानदार आपको कितना चार्ज ले सकता है इस एरर को फिक्स करने में। तो एरर में आपको ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कोई भी लैपटॉप में कि इस एरर को कैसे ठीक किया जाता है या फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम बता के आपको ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। तो आपको हम बताते हैं, देखिए बूट डिवाइस नॉट फाउंड जो है ये फिक्स करके हम आपको दिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नॉमिनल चार्ज आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि एक शॉप वाला दुकानदार वाला आपको इसका जो चार्ज आपको बताएगा वो आपको रिजनेबल रेट बता रहा है या फिर ज़्यादा रेट बता रहा है, तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम बूट डिवाइस नॉट फाउंड, ये आपका हार्ड डिस्क ख़राब होने की वजह से अगर होता है तो हार्ड डिस्क का रेट और उसका सर्विस चार्ज होगा, या फिर आपका ऐसे सेटिंग में अगर बायोस में अगर कुछ गड़बड़ रहा, अगर वहाँ से सेटिंग करके ठीक कर दिया गया तो 400 से 500 रुपये आपको चार्ज करेगा। तो बूट डिवाइस नॉट फाउंड जो बताया जा रहा है, सबसे पहले हम ठीक करने के लिए अपने लैपटॉप को हम बंद करेंगे। देखिए हमारा जो बूट डिवाइस नॉट फाउंड बता रहा है, लैपटॉप को बंद करेंगे और बायोस में ऑप्शन में इंटर करेंगे। तो लैपटॉप को ऑफ किए, ऑफ करने के बाद हम फिर से पावर की से चालू करेंगे और F10 HP का याद रखिएगा, F10 का बायोस ऑप्शन में इंटर करने का है। तो F10 में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर बूट डिवाइस है, बहुत लैपटॉप में बूट ऑप्शन आपका डायरेक्ट आएगा, मतलब बायोस सेटिंग ऊपर में ही रहेगा, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद बूट ऑप्शन है, उसके बूट ऑप्शन में बूट ऑप्शन के अंदर ये आपका हमारा आया हुआ है लेजेसी। ये आपका जो है लेजेसी ऑप्शन जो है उसे हमें ठीक करना होगा, क्योंकि लेजेसी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है, लेजेसी ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है। आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, आप शायद सही से आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं लेजेसी ऑप्शन इनेबल डिसेबल इंटर करेंगे तो इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा, इनेबल करने के बाद यस नो का ऑप्शन आएगा, तो यस करेंगे ये आपका इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल हो चुका है। इसके बाद F10 आपका HP लैपटॉप में F10 प्रेस करेंगे तो यस नो का ऑप्शन आएगा, सेव करने के लिए बोला जा रहा है, तो यस करके इंटर करेंगे तो रिस्टार्ट होगा आपका लैपटॉप। उसके बाद ये मोड आप जो चेंज किए हैं उसी का एक मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बूट मोड चेंज, तो नीचे देखिए एक नंबर दिया हुआ है प्लस इंटर टू कंप्लीट द चेंज, ये नंबर और इंटर देंगे तभी ये मोड आपका चेंज होगा, मतलब आप जो करना चाह रहे हैं वो आपका होगा। तो नंबर प्लस इंटर, आपका जो नंबर आएगा वो नंबर देने के बाद इंटर कीजिएगा तो आपका ये मोड चेंज आपका होगा। उसके बाद आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद आपका चालू होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है वो पूरी तरीके से चालू हो गया है और आपका ये जो प्रॉब्लम था हमारा सॉर्ट आउट हो गया फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इसका जो नॉर्मल चार्ज आपको कस्टमर कितना ले सकता है, मतलब आपको दुकानदार कितना ले सकता है वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करके जानकारी आपको मिलेगी। तो देखा आपने हमारा जो लैपटॉप है वो आपका बिल्कुल ऑन हो चुका है जैसे कि पहले था। ये प्रॉब्लम जो आई थी वो आपका बायोस में लेजेसी मोड आपका डिसेबल किया हुआ था, ऑन करने से ये आपका ऑन हो गया। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल चार्ज दुकानदार आपसे चार्ज करेगा वो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ का कितना चार्ज कर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 400 या 500 करेगा। अगर आपको इसके लिए 3000 4000 5000 अगर बोला जाता है तो गलत है। सबसे पहले जो मैं आपको प्रॉब्लम सूट बताया वो आप खुद से भी कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह का प्रॉब्लम का आपको सही एक रेट जानकारी आपको होना चाहिए कि किस चीज़ का आपको कितना आपको रेट हो सकता है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें फ्रेंड और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको नेक्स्ट में आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।